बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताऊंगा कि जब जो गंदम गोमा की हो जाती है तो इसके गंदम की फसल के पत्तों पर ना बड़े एक किस्म के ना वो लकीरें और उनके रंगत जो है ना जो ये मेरे पास है एक जो पत्ते फट जाते हैं दूसरी इसकी रंगत तब्दील हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने सल्फेट का इस्तेमाल करना होता है, ये बड़ा जरूरी है। हम तो अभी खादों से ही निकल निकल रहे, तो इंडिया अब हमारे बहुत आगे जा रहा है, उसकी जो औसत पैदावार है वो भी बहुत ज्यादा है। तो वो ये जब मैंने सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो ये जो पत्तों के ऊपर जो फट जाते हैं या ये ऐसे जो दाग बांधते हैं ये नहीं पड़ेंगे और फसल जो है ना वो उसकी बेहतर होगी। तो ये आप ऐसा करें, जब वो आखिरी पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें मैंने सल्फेट का इस्तेमाल करें, तो इससे ये सभी जो है ना कमियां जो पत्तों के ऊपर जो होती है तो पत्ते फट जाते हैं या उनकी रंगत जो पीली पड़ जाती है तो ये नहीं होगी। और इसका जो पत्तों का असर होता है ना ये ही सिक्के पर पड़ता है। जब आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके पत्तों का जो है वो असरात जो है ना वो सिक्के के ऊपर आते हैं और अच्छा दाना बनता है और भरपूर फसल होती है। इसी तरह हम को ये जो है ना ग्रही जो मशवरे हैं इनके पर अमल करना चाहिए और मैंने सल्फेट का इस्तेमाल करें तो आखिरी पानी पर इसको इस्तेमाल करें तो जिससे ना ये जो पत्तों पर जो हमले होते हैं जो परनुमा जो फट जाते हैं या रंगत इस तरह की हो जाती है वो नहीं होगी और उसकी फसल जो है ना शानदार होगी। तो इसको भी आप अपने आखिरी पानी में जरूर इस्तेमाल करें, मैंने सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करें।